कुत्तों को लेके राजनीति चल रही है, और क्या बोलेंगे, बैठ सकते थे ना आके सब लोग, क्यों नहीं बैठा। हम लोग एक ही मुद्दा हमारा ये है कि भाई जो कुत्तों का जो इश्यू चल रहा, जो अटैक चल रहा, कई सारे लोग वीडियो देखे इस पर, कई सारे लोग कमेंट करे, बट ये लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों को शहर से बाहर हटाने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की है, सारी सहूलतें देने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम एहतजाज करते हैं तो हमारे एहतजाज को गैर अहम बनाकर लीडर्स आगे चले जा रहे हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। इलेक्शन करना जरूरी है कि गुलबर्गा शहर को क्लीन रखना जरूरी है? तो ये कॉर्पोरेशन किस काम की है अगर लोगों की हिफाजत नहीं कर पाती है? This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. आज 30 जुलाई को मेरा इलेक्शन होने जा रहा है। हम इसी चलते हैं, लास्ट टाइम पे भी बताए थे कि हम पिछले टाइम पे कि मेरा इलेक्शन टाइम पे हम रुकावट डालेंगे, क्योंकि गुलबर्गा शहर का इशू है जो डॉक्स को लेके पिछले से इंसिडेंट मिसबा नगर के इंसिडेंट हुआ था, तो कमिश्नर साहब और पूरे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, एमएलए साहब ने आश्वासन दिया था कि कंपोजिशन देने की बात हुई थी 5 लाख रुपीज। 7 मंथ हो गया, मेयर चेंज हो रहा है, अभी तक कुछ उसके ऊपर फॉलोअप नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं दिया गया कंपोजिशन बोला, 1 रुपया नहीं दिया। जो ट्रीटमेंट देना था वो कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया था, 5 लाख रुपीज देने की बात हुआ था वो नहीं दिया गया। हमने आके आज दुकाने की कोशिश किया है, पर गुलबर्गा शहर के लिए डेवलपमेंट होगा रहा, बोलते हमको रोज कहीं ना कहीं एक ये रहता है, तो फिर हम सोचते हैं कि फिर ये मेयर साहब आएंगे, कुछ डेवलपमेंट होगा बोल के। हम ये नहीं चाह रहे कि हम इसको बनने से रोकना है, इसको बनने से रोकना है, हमारा इंटेंशन नहीं है। हाँ, क्योंकि 55 कॉर्पोरेटर्स में से कोई ना कोई एक मेयर बनता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेडीएस का हो। अब देखेंगे इंशाल्लाह, फिर कमिश्नर साहब से, फिर कमिश्नर साहब भी बोले थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं गवर्नमेंट को भेजा हूँ, इंशाल्लाह फॉलोअप होगा, वहाँ से अगर होगा तो बिल्कुल बच्ची को बुला के देंगे बोल के बताए हैं। इंशाल्लाह आप सब लोग मिल के काम करें तो आज ये गुलबर्गा शहर के लिए आज बहुत अच्छी बात होती थी। सब आते हैं तो पूरे कॉर्पोरेटर्स बैठते, पूरे आवाम बैठती, तो आज गुलबर्गा शहर के इशू के लिए बात कर सकते थे। अब मेरा फर्स्ट तो मैं अदा किया हूँ, वो बाकी का जो मतलब जो कॉर्पोरेटर्स है उन्होंने निभाने वाले हैं, उनके एरिया में इश्यूज सुन दे, उनके बच्चों को काटे दे, जब पता चलेगा बस। क्या वजह सर आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ जुड़े नहीं? कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, 99% लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजनीति चल रही है, कुत्तों को लेकर राजनीति चल रही है, और क्या बोलेंगे, बैठ सकते थे ना आके सब लोग, क्यों नहीं बैठा। इलेक्शन करना जरूरी है कि गुलबर्गा शहर को क्लीन रखना जरूरी है? जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और यहाँ पर मेरे हमारी टीम साथी हमारे सब यहाँ पे मौजूद है। अजहर मुबारक जो जनता परिवार माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, शेख सैफन है जो जनता परिवार के सेक्रेटरी है, अफजल महमूद जो जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदार है, और यहाँ पर हम लोग कुछ दिन पहले टाउन कॉर्पोरेशन कमिश्नर ऑफिस के पास एक प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे थे, जॉइंट एक्शन कमेटी और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन प्लस हमारे जीडीएस के कॉर्पोरेटर साजिद कल्याण, हम पूरे लोग कोऑर्डिनेशन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। मांग यही थी कि गुलबर्गा में जो कुत्तों का आतंक चल रहा, तो कुत्तों के आतंक के वास्ते हम लोग एक मूवमेंट करके प्रोटेस्ट करके हम मेमोरेंडम देते, वी हैव रिक्वेस्टेड कॉर्पोरेशन कमिश्नर कि हमारे सर्टेन डिमांड्स है, ये डिमांड शुड बी फुलफिल बिफोर टाउन जो मेरा इलेक्शन हो रहा है उससे पहले ये फुलफिल होना। मगर कॉर्पोरेशन कमिश्नर के तरफ से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी के तरफ से ये चीज़ ऐसी हो गया जैसे हर कोई मेमोरेंडम देता है, लोग उठा के जो डस्टबिन में फेंकते वही हो गया, कुछ नहीं करे। वो टाइम पे हम ऐलान करे थे कि भाई अगर हमारे मेमोरेंडम को स्लाइटली लाइट लिया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, तो हम लोग मेरे इलेक्शन में आकर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और आज हम करें यहाँ पर। वी गॉट लॉट ऑफ प्रेशर हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट से हुआ, हमको यहाँ हटाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, सब हो गया, मगर हम लोग यहाँ से हटे नहीं। साजिद, मैं, अफजल महमूद, सैफ, हम पूरे लोग यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करें। हम लोग एक ही मुद्दा हमारा ये है कि भाई जो कुत्तों का जो इश्यू चल रहा, जो अटैक चल रहा, सर आप लोग सोचिए, आप लोग गुलबर्गा में 6000 डॉग बाइट केस, 6000 अटैक, मतलब मेजोरिटी यार छोटे बच्चे हैं, 6 साल के छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर डैग कुत्तों का अटैक होता है, सीरियस हो गए, कई सारे लोग वीडियो देखे इस पर, कई सारे लोग कमेंट करे, बट ये लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना कमिश्नर को फर्क पड़ रहा, ना रीजनल कमिश्नर पड़ रहा, ना डीसी, ना कमिश्नर, ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ना कॉर्पोरेटर्स को फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वार्ड में कॉर्पोरेटर इज द रिप्रेजेंटेटिव और हर वार्ड का ये इशू है ये। और कई सारे लोग हमको कॉन्टेक्ट करके बताए कि हर वार्ड के कॉर्पोरेटर को कॉन्टेक्ट कर रहे, बट कॉर्पोरेटर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग।
ये बड़ी शर्म की बात है कि हम ऐसे लोगों को जिता कर लेकर आते हैं कि वो लोग हमारे लिए सर्व करें और हमारी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर आवाज उठाए। यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट के लिए हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर सारे लीडर्स, सारे कॉर्पोरेटर्स, MLA, MP, ये पूरे लोग यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन आ सके। कोई एक कॉर्पोरेटर हमारे साथ आके बैठा नहीं, क्यों? अगर बैठेगा तो उनकी पार्टी का नाम खराब होता, क्योंकि उनकी पार्टी फेलियर है, उनके लोग ना उनका MLA कुछ काम कर रहा है, ना उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी कोई पकड़ है, काम नहीं कर सके। वो लोग आके नहीं बैठ रहे यहाँ पर। नॉर्थ MLA नहीं, आज की बात बता रहा हूँ मैं, नहीं हमारी बात है, वो वोट है। देखिए आप मेयर सेलेक्ट किसके लिए कर रहे हैं? आवाम के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ना करा, मेयर को सेलेक्ट करने की जरूरत क्या है? इलेक्शन शुड बी कैंसिल, पहले आवाम की जो परेशानी है उसको पूरी करना। लास्ट एक साल है मेयर था, क्या करा? मेयर का कंट्रीब्यूशन क्या है आप बताइए, आप मीडिया में हैं आप लोग, आप बताइए मुझे कंट्रीब्यूट क्या करे ये लोग एक साल मेयर बैठकर। एक साल में ये कांग्रेस की हुकूमत आकर यहाँ पर आवाम के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? रोडों की हालत वैसी है, एजुकेशन में हम लोग पीछे हो रहे हैं, यहाँ पर गंदा पानी, घटिया गलीस पानी, अनहाइजीन पानी वैसे आ रहा, ये ऊपर से कुत्तों का आतंक। सर एक साल में 20,000 लोग मरते हैं हिंदुस्तान में कुत्ता काटने से, एक साल में 20,000 लोग। गुलबर्गा में सर 6,000 केसेस हुए, डॉग अटैक केसेस हुए सर, अभी सर ये 3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, गुलबर्गा का 3 साल का रिकॉर्ड, मगर जो इंडिया का रिकॉर्ड है सर, इंडिया का 24 लाख डॉग अटैक केस है पूरे इंडिया में एक साल में, और 20,000 लोग एक साल में कुत्ता काटने से मरते हैं सर। और यहाँ पर जब हम प्रोटेस्ट के लिए बैठे, कनीस फातिमा जो हमारे नॉर्थ के MLA है, यहाँ पर तकरीबन नॉर्थ के हम लोग बैठे हुए थे जो वोट डाल के जिताए गए, ये लोग यहाँ पर हमारे साथ हंस लेते हैं, मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं हमारे को देखते हुए यहाँ पर। ये इस तरीके से ये लोग काम करेंगे हमारा आवाम का, तो मैं आवाम को यही गुजारिश कर रहा हूँ, अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखो, लड़ना सीखो। अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेशन कमिश्नर 20,000 कुत्ते गुलबर्गा शहर में हैं, और उनकी ना तो नसबंदी 5 साल से हुई है, ना ही उनके लिए एक शेल्टर बनाया गया है। अब जब से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं तो बात कही जा रही है कि एक अलग से शेल्टर बनाया जाएगा, लेकिन ये शेल्टर सिर्फ उनको उनकी नसबंदी कर वापस भेजने के लिए, वापस उसी मुकाम पर छोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि शेल्टर उनको हमेशा के लिए वहाँ पर रखने के लिए बनाया जाए, ना कि वापस छोड़ने के लिए। अगर वो कुत्ते जो हमला कर रहे हैं, जो हमलावर कुत्ते हैं, उनको वापस छोड़ा जाएगा तो फिर से हमला करेंगे। यही वजह से हम लोग आज एहतजाज किए। साथ ही साथ साजिद कल्याणी साहब जो मुसलसल एक साल के करीब हो गया है, एक बच्ची जो सफूरा नाम की है, वो बच्ची को कंपनसेशन क्लेम दिलाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे साथ में जुड़े थे और उनके साथ में हम लोगों ने एहतजाज किया। वो कंपनसेशन आज तक नहीं मिला है बच्ची को। उस वक्त MLA साहिबा भी मौजूद थे, उस वक्त साउथ के MLA भी मौजूद थे, अलम प्रभु साहब, उस वक्त कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे, कमिश्नर भी मौजूद थे, सब लोगों ने मिलकर ये कहा था कि 5 लाख कंपनसेशन देंगे, लेकिन नहीं मिला है। कंपनसेशन सिर्फ जबानी जमा खर्च के तौर पर लोगों को कहा जा रहा है कि कुत्ता काटने के बाद मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। ये जो फंड है स्टेरिलाइजेशन का, जो फंड है 50 लाख रुपए, उसको तक डाइवर्ट करने में नाकाम होते हैं, तो ये कॉर्पोरेशन किस काम की है अगर लोगों की हिफाजत नहीं कर पाती है? कुत्तों को शहर से बाहर हटाने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की है, सारी सहूलतें देने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम एहतजाज करते हैं तो हमारे एहतजाज को गैर अहम बनाकर लीडर्स आगे चले जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए हंसते हुए आगे चले जा रहे हैं, और ये लीडर्स के पास जरा भी एहसास नहीं है कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये मुद्दे की तो अहमियत रखो, ये मुद्दे को तो अहम जानो। किसी बच्ची के ऊपर हमला होता है, चंद सालों पहले एक बच्ची की मौत हो गई, उसको कंपनसेशन आज तक नहीं मिला। कॉर्पोरेशन की ये गत और ये हालत है, इस कॉर्पोरेशन की सुधार की जरूरत है, इस कॉर्पोरेशन को बदलने की जरूरत है, ऑफिसर्स को सुधारने की जरूरत है। ये बहुत ही आराम तलब हो गए हैं। वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं है, इनके ऊपर अगर नकेल नहीं कसी जाएगी आवाम की तरफ से तो ऐसे ही ढीलापन रहेगा, ऐसे ही रवैया रहेगा और ऐसे ही हालात रहेंगे। मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने मुद्दों के लिए आवाज उठाइए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए, और जो तंजीमें आपके हक के लिए आवाज उठा रही है उनका साथ दीजिए, अल्लाह के वास्ते साथ दीजिए। नहीं तो कल के रोज, आज सफूरा नाम की लड़की के ऊपर हमला हुआ था, कल के रोज आपकी भी बच्ची हो सकती है, आपका भी बच्चा हो सकता है। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जो लीडर्स हैं वो भी हमारा साथ दें, ऐसे नजरअंदाज करके ना जाएं। एक अहम मुद्दे के ऊपर हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो वो सभी के सभी आगे आएं और ये मुद्दे को हल करें।
जनरल असीम जनरल बॉडी में ये मसला उठाए और उसको फौरी तौर पर एड्रेस कर ये तमाम तर इश्यूज, शेल्टर बनाने का, कंपनसेशन देने का और स्टरलाइजेशन का ये काम करके दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open. Contact for details.